हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं यम्मी मटन रेसिपी। किस किस को मटन खाना बहुत पसंद है और आज मैं उसको बनाऊंगी बिना तेल के। देखिए उसको मैं कैसे बना रही हूँ। पहले मैंने अपने पैन को गर्म कर लिया, उसके बाद मैंने जो साबुत वाले मसाले होते हैं खड़े मसाले उसको डाल दी। थोड़ी देर हम उसको रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद मैंने उसमें डाल दी कटी हुई प्याज, उसको भी थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे, वो भी बिना तेल के। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मैंने तेल नहीं डाला है इसमें। मैं तेल यूज नहीं कर रही हूँ, इस वजह से मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दी ताकि नीचे से वो चिपके ना। थोड़ी देर वेट करने के बाद अच्छे से हमारी प्याज जब फ्राई हो गई, उसके बाद अब मैं इसमें और थोड़ी सी पानी डालूंगी और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें डालूंगी गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट। मैंने 1 किलो मटन लिया हुआ है, उसी हिसाब से मैं अपने मसाले यूज कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। सब अपने अपने हिसाब से स्वाद अनुसार हम डाल सकते हैं इसमें। अच्छे से अब उसको मैं मिक्स करके थोड़ी देर रखूंगी। उसके बाद उसमें मैं कटी हुई टमाटर डाल रही हूँ, 2 टमाटर लिया है मैंने। बीच बीच में हमें उसको हिलाते रहना है। हमारी मसाले लगभग हो चुकी है। मसाला होने के बाद अब इसमें मैं मटन डाल रही हूँ। पहले से ही मटन को मैंने थोड़ी सी हल्दी एंड नमक दे के रख ली थी और कुछ नहीं डाला था उसमें। मटन डालने के बाद अच्छे से हम उसे मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं उसका लिड देके थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। हमें बीच बीच में उसको हिलाते रहना है ताकि वो अच्छे से पके। अब देखिए आधा हो चुका है, मटन पूरा नहीं हुआ है। अब देखिए उसका कलर बिल्कुल आ गया है, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बिना तेल के बन रहा है। साथ ही साथ मैं राइस बना रही हूँ। अब मैं राइस कुकर में नहीं बनाती हूँ, मैं ऐसे पतीले में पानी से बनाती हूँ। पहले मैंने पानी को गर्म कर लिया पतीले में। पानी गर्म होने के बाद मैं राइस को अच्छे से धो दी और राइस को पानी में डाल दी। जब तक हमारी मटन रेडी होती है तब तक हमारी राइस भी बन जाएगी। अब मटन में मैं आलू डाल रही हूँ। मुझे आलू, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। आप आलू को पहले भी फ्राई कर सकते हैं, ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, थोड़ा सा बस ऑयल में हम उसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं बिना फ्राई के मटन में डाल दी। अब अच्छे से हम उसको मिक्स कर लेंगे। लेकिन हमको ये याद रखना है कि आलू को मटन लगभग हो जाए उसके बाद डालें, क्योंकि आलू तो जल्दी बॉयल हो जाता है, मटन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हमारी मटन करी रेडी हो चुकी है, उधर राइस भी बन चुकी है बिल्कुल।
बहुत यम्मी सा कलर दिख रही है और बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैंने इसमें ऑयल यूज नहीं किया हुआ है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ड्राई भी कर सकते हैं, थोड़ा ग्रेवी भी रख सकते हैं। अब मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दी जो मैंने घर पे बनाया हुआ था। और राइस बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है। और राइस हुआ है कि नहीं हुआ है हम देखेंगे उसको। पहले मैं मटन को अच्छे से आपको दिखा दूं। देखिए ऊपर कितना ऑयल जैसे दिख रहा है, क्योंकि मटन में खुद का ऑयल होता है। अब राइस से पानी कैसे निकालेंगे मैं वो आपको दिखाती हूँ। मैंने एक लीड ले लिया जो बिल्कुल फिट हो रहा था मेरे राइस वाले जो बर्तन है उसके साथ। उसको मैंने टैप के ऊपर रख के वो पानी सारे में निकाल रही हूँ। लेकिन जो नए करेंगे उनके लिए बहुत डेंजर हो सकता है, ये ट्राई भी ना करें। मुझे आदत है ऐसी बनाने की, तो मैं बनाती हूँ। कुकर में मुझे पसंद नहीं है बनाना। थोड़ा सावधानी से हम इस ट्रिक को कर सकते हैं। सारे पानी निकल गई और राइस बिल्कुल ड्राई हो गया है और खिला खिला भी दिख रही है। रेडी हो गई हमारे मटन करी हुई थे राइस, और साथ में मैंने थोड़ी सी रायता भी बनाई हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।